सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जियो। परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमुलीक लाल एहे रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोकै निस्तार। जिस वेले सच्चे पाशा धन श्री गुरु नानक देव जी अचल बटाले संगतां नूं दर्शन दे के निहाल कर रहे सन, सिद्धां दा हंकार निवृत कीता ते सिद्ध सतगुरां दी वड्याई करन लगे। सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। लोकां विच सतगुरां दा जस बेअंत फैल गया। दर्शन करके स्त्री पुरश निहाल होण लगे। एक तरखाण सतगुरां दे दर्शन करन लई आया। उस दे नाल उसदा 12 साल दा इकलौता बेटा सी। आ के सतगुरां दे चरण कमलां ते मत्था टेकिया ते बेनती कीती कि सतगुरु जी, साडे घर विच इको ही पुत्तर है, आप जी की कृपा नाल मेरा पुत्तर जिउंदा रहा है, आप जी दे चरणा विच इस नूं चढ़ाउण आया हाँ। सतगुरु जी ने कहा कि हे भाई, असी तां तेरे पुत्तर नूं जिउंदा नहीं कीता। ते उस मिस्त्री सिख ने कहा कि महाराज जी, बेनती सुनो कि किवें जिउंदा कीता है। मेरे घर विच जो भी पुत्तर पैदा हुंदा सी ओह मर जांदा सी। बहुत सिद्ध पीरां ते जा के मत्था टेकिया पर मेरी इच्छा पूरी ना होई। जदों मैं आप जी का जस सुनिया तां मेरे मन विच शरदा आ गई ते मैं आप जी की सुख सुखी ते संकल्प विच मैं अपना पुत्तर तुहानू सौंपिया कि यह जीवत रहे। हुण इस दी मौत दा भय मैनू नहीं, यह मरे भावें जिउंदा रहे, हुण इस दे जीवन दी आप जी नू लाज है। उस बच्चे दे पिता तों बचन सुन के सतगुरु जी ने बहुत सारियां लकड़ां इकट्ठियां करवा के कहा कि इन्हां नू अग ला दिओ। तां सतगुरां दा बचन मन के ऐसा ही कीता गया। जदों अगन पूरी तरह बल उठी फिर सतगुरां ने उस बालक नू बचन कीता, बारक जावो अगन मझारा। इस बालक दा नाम इस दे पिता ने संगतिया रख्या सी। सतगुरां दा बालक नू अगन विच कुद जाण दा बचन सुन के संगत बहुत हैरान होई। आपस विच गल्लां करन लगे कि गुरु दी गत लखी नहीं जांदी। लोग कहण लगे कि तरखाण दा इको ही पुत्तर सी, सतगुरां ने उस नू ही अग विच बैठण लई कह दिता है। जदों सतगुरां ने बालक नू अग विच बैठण दी आग्या दित्ती तां सिद्ध अते इस्त्री पुरश तां हैरानी नाल वेख रहे सन, पर इस बच्चे दा हिरदा डोलिया नहीं। गुरु जी दे बचन नू मन्निया, अग्नि दे फूकण दी पीड़ा नहीं मन्नी ते छाल मार के अग विच जा बैठा। जदों बच्चा अग विच बैठ गया तां अग दे तेज ने इस नू रता पर भी नहीं छुया। बच्चा अग विच सवा पहर बैठा रहा। देखण वाले सारे ही बहुत हैरान होए ते सतगुरु जी परम प्रसन्न हो गए ते उस नू किरतार्थ करन वास्ते बचन उचारण कीता कि बच्चा, तू जन्म मरण तो रहित होया, तेरे सारे जंजाल टुट गए, तू सदा निहाल होया। जदों सतगुरां दी रसना तो निहाल होण दा बचन प्राप्त होया तां इह सुणदिआं ही बालक दे कपाट खुल गए, द्वैत भरम दे संगल कट्टे गए अते देव दृष्टि हो गई, तिन्हां लोकां दी सोझी हो गई, जन्म मरण दा सोग चुक्या गया। फिर सतगुरु जी ने कहा कि बच्चा, तू अपनी मर्जी नाल कुछ मंग लै। तां इस बच्चे ने गुरु के सिखां वाला सुभा वरतदे होए कहा कि सतगुरु जी, जो आप जी ने सिद्धां दियां अते भाई अजिते दियां शक्तियां वापस लईयां हन, ओह किरपा करके इन्हां नूं बख्श दिओ। इस परोपकार दे सुभा तों सब सिद्ध भाई अजिता अते सारी संगत बहुत प्रसन्न होए। यह सब
साध रूप गुरु नानक देव जी का बचन मनण दीआं बरकतां हन जो गुरबाणी दी इस पावन तुक विच सतगुरु जी ने बख्शिश किया है कि उत्तम श्लोक साध के बचन अमुलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरै लोकै निस्तार। इस सिद्धांत नूं यह साखी स्पष्ट करती है जिवें यह बच्चा बचन मन के संसार समुद्र तो तरिया उवें ही जे कोई सतपुरशां दे बचन नूं मन्नेगा वह संसार समुद्र तो पार हो जाएगा। कोट तीरथ मजन इशनाना इस कल मैं मैल भरीचै भावें करोड़ां ही तीर्थां उत्ते जा के पुरब दे समें इशनान भी कर लवे तां भी इस कलयुग विच इह जीव पापां रूपी अभिमानता रूपी मैल नाल ही भरिया जांदा है। इशनान ते मजन दा इतना भेद है कि इशनान जो सधारण तरीके नाल कीता जावे ते मजन जो गोता मार के कीता जावे। साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीचै साध संगत वे जा के जो जग्यासु परमेश्वर दे गुणा नूं गाउंदा है वह अपने मन नूं विकारां दी मैल तो शुद्ध कर लैंदा है। वेद कतेब सिमरत सब सास्त इन पढ़िया मुक्त ना होई वेद जो गिणती वे चार हन शाम वेद ऋग वेद जुजर वेद अथर्वण वेद अते इस्लाम मत विच चार कतेबां कुरान तौरेत जंबूर अंजील हन। जिस तरह हिंदू मत विच वेदां नूं सत्कार प्राप्त है उस तरह इस्लाम मत विच चारे कतेबां नूं माण मिलिया है। सो फरमान कीता है कि चार वेद चार कतेब सताई सिमरतियां छे शास्त्रां नूं पढ़दिआं भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुंदी। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई जो गुरमुख गुरां द्वारे नास तों रहित परमात्मा नूं जाणदा है उसकी शोभा हुंदी है। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को सांझा चारे वर्णा विचों भावें ब्राह्मण भावें खत्री भावें वैश ते भावें शूदर कोई भी पुरश होवे सब नूं श्री गुरु नानक देव जी दे घर दा उपदेश सांझा है। किसे नाल भी कोई वितकरा नहीं। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कलमै घट घट नानक माझा। सतगुरु जी फुरमान करते हैं कि जेड़ा पुरश गुरु साहब द्वारा सबना घटा घटा दे विच व्यापक जान के इस कलयुग विच परमेश्वर दे नाम नू जपदा है वह पुरश संसार समुद्र तो तर जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।